तो हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना सेटिंग देने वाला हूं कि मैं कैसे कस्टम एचयूडी पे खेलता हूं, मेरे फोन का सेंसिटिविटी कितना है, मैं कितना डीपीआई यूज करता हूं, मेरे फायर बटन का साइज कितना है, मैं कौन से फोन में खेलता हूं, मेरे फोन का रैम कितना है। भाई एक बंदा कमेंट कर रहा है कि भाई तुम अपने आईडी से दूसरे बंदे से खिलवाते हो। यू आर अ गुड क्वेश्चन। और एक बंदे ने तो हद ही कर दिया भाई, बोल रहा है मैंने क्वालिटी भाई तुम्हारे साथ खेला है, तुम भाई बॉडी भी मारते हो। तो भाई तू बता दे, बॉडी मारना पाप है क्या? मैं बॉडी नहीं मार सकता, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो भाई ऐसे ऐसे बंदे पड़े हैं फ्री फायर कम्युनिटी में, भाई पूछो ही मत। कुछ बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई तू अपने सेटिंग पे वीडियो लाओ, तो रियल लाइफ में कोई सेटिंग है नहीं, सोचा मैं अपने गेम की सेटिंग के बारे में तुम लोगों को बता दूं। समझ रहे हो साला, ये दुख का खत्म नहीं होता भाई। तो वीडियो का करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैं कौन से डिवाइस में खेलता हूँ। तो भाई मैं हूँ एक कैलकुलेटर प्लेयर, एंड कैलकुलेटर में 1-2 लाख डीपीआई लगा के खेलता हूँ। काफी अच्छा स्मूथ गेम चलता है, एंड मस्त तरीके से हेडशॉट भी लगते हैं। सॉरी। तो मेरे डिवाइस का नाम है Redmi 10 Prime, जिसे मुझे लिए हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। बात करें इसके रैम की, तो इसका रैम है 4GB एंड इसका स्टोरेज है 64GB। 4+1 इसका वर्चुअल रैम है। तो मैंने इसे बाय किया था 13,000 रुपए में। इसमें MediaTek Helio G88 का गेमिंग प्रोसेसर है, जो ठीक ठाक गेम प्ले करा देता है। तो भाई लोग, जब से मैंने इस फोन को बाय किया है, तब से आज तक मैंने थोड़ा सा भी DPI का यूज नहीं किया है। तो भाई लोग, DPI लगाने से आपका गेम प्ले चेंज नहीं होगा, गेम प्ले चेंज होता है तुम्हारे स्किल से, तुमने कितना प्रैक्टिस किया है, तुम कैसे ड्रैग कर रहे हो, तुम्हारा एम परफेक्ट है कि नहीं है। इस तरीके से आप लोग अपने गेम प्ले को चेंज कर सकते हो, ना कि डीपीआई लगाने से। मैं इसी फोन से गेम खेलता हूँ, गेम प्ले वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद मैं इसी फोन से थंबनेल भी बनाता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, वीडियो अपलोड भी कर, सभी चीज मैं इसी फोन से ही करता हूँ। बस मैं शिष्य हूँ डार्क भाई का, एंड डार्क भाई भी बिल्कुल भी डीपीआई का यूज नहीं करते, तो मैं क्यों डीपीआई का यूज करूँ। मैं एक सेटिंग का यूज करता हूँ, वो है पॉइंटर स्पीड। मैं पॉइंटर स्पीड को हमेशा फुल रखता हूँ, इससे स्क्रीन की जो सेंसिटिविटी है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो अब चलते हैं गेम में, एंड गेम में मैं आपको अपने कस्टम एचयूडी के साथ साथ मैं कुछ सेटिंग्स को भी दिखा देता हूँ, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। चलो भाई। तो सेंसिटिविटी में सभी चीजें फुल करके रखता हूँ। डिस्प्ले ग्राफिक्स में मैं स्टैंडर्ड मोड पे हाई FPS ऑन करके खेलता हूँ। बाकी आप लोग मेरा कस्टम एचयूडी देख ही सकते हो, मैं 4 फ्लैग गेमर के कस्टम एचयूडी पे खेलता हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, बट कस्टम एचयूडी सेम है। एंड मैं अपने फायर बटन का साइज 50 पे रखता हूँ, 50 मेरा बेस्ट फायर बटन साइज है। एंड आप लोग मेरा फायर बटन का पोजिशन भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी Quality69 नेम से है, जाकर जरूर से फॉलो कर लेना। एंड अभी तक आप लोग इस वीडियो में हो, यानी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।